नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सहित 20 से ज्यादा कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पार्टी की हालत बिगड़ती जा रही है। बुधवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अंडों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की उपस्थिति में बुधवार को महापौर जगत बहादुर के भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की। महापौर जगत बहादुर से साथ डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार सहित 20 से ज्यादा कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य सुमेर सिंह गढ़ा ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। सुमेर सिंह गढ़ा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे। इससे पहले वे जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन। चलो इस तरफ निकल भैया, इस तरफ निकल। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस अवसर पर जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, जो हमारे जबलपुर के महापौर भाई जगत बहादुर अन्नू जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की ओर से देता हूं। उनके साथ हमारी बहन पार्षद हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। डिंडौरी के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी से लेकर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सामान्य अध्यक्ष, जनपद के सदस्य और कांग्रेस के भी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। डिंडौरी कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया। शुक्ला जी हमारे आज इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सिंगरौली हमारा जो जिला है, सिंगरौली जिले की हमारी जिला पंचायत की सम्मान्य उपाध्यक्षा आदरणीय बहन अर्चना सिंह जी, अर्चना नागेन्द्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तो कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। एक छोटा सा गवाह हूं, एक मजदूर परिवार से निकल करके आता हूं। आज परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी। मेरे से कई सारे वरिष्ठ मौजूद हैं सबके साथ, लेकिन ये हमारा परिवार भाव के कदम कदम पर सहयोग करके पार्टी की ये विशेषता है। हमारे वीडी शर्मा जी भी उदाहरण है, जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी आपने ये अपने बीच में 5 साल लगातार पूरा काम करते हुए सबको लेके चलना, और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का जो उदाहरण बनता है, इस सामूहिक नेतृत्व की कोई पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक पार्टी जहां आप छोड़ के आए वहां एक ही परिवार के पास पार्टी रुकी हुई है। कई सारे वरिष्ठ बाहर के लोग कह रहे थे, प्रणब मुखर्जी सहित भारत रत्न मिला उनको, और सबने कहा था कि भैया समय रहते फैसला कर लो, लेकिन वो पार्टी की दुर्दशा कराने के लिए उन्हें उनकी व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, कि उसके दिन ऐसे ही आते जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा देकर, और आज तो समय बदल गया है, क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी, इसलिए आपने बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं नजर आने के कारण कांग्रेस को छोड़ना पड़ रहा है। इसके पूर्व भी जनता समाचार ने जानकारी देते हुए बताया था कि कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें जनता समाचार से। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार।
अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।